A real story of a gangster. हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है इस वीडियो में। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल टॉपिक वाइटी। तो दोस्तों, कैसे आप इस वीडियो को थोड़ा देख चुके होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे घर पे बना सकते हैं लेमन लाइम ड्रिंक। जी हाँ, इसको कहते हैं लेमन सोडा। जी हाँ, आज मैं आपको बना के दिखाऊंगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि मैं आपकी की मैं आपको वीडियो ला के दूंगा। ये समर सीजन आ चुका है तो मैंने एक ब्री वेज बना के दिखाई है। तो आपको लेमन लाइम दिखाई है, इसको लेमन सोडा भी कहते हैं और हिंदी में आप इसको सोडा भी कहते हैं, नींबू सोडा भी हम इसको कहते हैं। तो चलिए आज मैं इसको बना के दिखाऊंगा। तो चलिए सीधा हम यहाँ पे चलते हैं किचन में। तो किचन में आपको दिखाऊंगा कि हमें क्या इंग्रीडियंट्स चाहिए और हम कैसे बनाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है। वीडियो को लास्ट तक देख रही और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल गाइस। प्लीज़ ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए किचन में चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे आ चुके हैं और मैंने जैसे आपको बनाया था लेमन सोडा बनाने के लिए, ये वाले इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक एक बारी। देखिए, ये मैंने यहाँ पे सोडा लिया है। देखिए आप देख सकते हैं, सोडा लेने के बाद ये मेरे पास जो ज़ीरा होता है ना, उसको मैंने भून लिया था और क्या कहते हैं उसको क्रश कर लिया था। तो ज़ीरा और काली मिर्च मिक्स है इसमें। ये मेरे पास आइस क्यूब्स हैं। ये मेरे पास नींबू का रस है और ये मेरे पास शुगर सिरप है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसा करिए कि आप 6 चम्मच चीनी लीजिए और 6 चम्मच पानी को उबाल लीजिए। और ये मेरे पास चाट मसाला है, देखिए। और ये 2 गिलास है जिसमें आपको बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले आप देख लीजिए इसको कैसे बनाना है। तो चलिए बनाने के लिए आ चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, सोडा बनाने के लिए जो हमने ये 2 गिलास लिए थे, सबसे पहले हम इसके अंदर शुगर सिरप डालते हैं। देखिए हमें इक्वली डालना है। देखिए मैंने 2 चम्मच इसमें डाला है और 2 चम्मच इसमें डालेंगे। शुगर सिरप डालने के बाद हम इसके अंदर नींबू का रस डालेंगे 2-2 चम्मच। देखिए ऐसे करके हमने 2-2 चम्मच डाल देना है इक्वली। और इसके अंदर ही हमने ये डालना है, देखिए ऐसे इक्वली ऊपर से आप डाल दीजिए। तो देखिए दोस्तों, जब ये डल जाएगा तो उसके बाद आपको चाट मसाला लेना है। देखिए इसके अंदर ये पैकेट था तो मैं इसको ऐसे निकाल के डाल देता हूँ। देखिए थोड़ा थोड़ा सा आप चाट मसाला डाल दीजिए दोस्तों। इनको साइड में रखते हैं। ये डालने के बाद आप इसके अंदर आइस क्यूब डाल दीजिए। देखिए शुगर सिरप इसलिए लिया था क्योंकि जब हम चीनी का ऐसे इस्तेमाल करते हैं बिना मेल्ट किए तो वो अच्छे से डिजॉल्व नहीं होती। तो हम इसके अंदर आइस क्यूब डाल लेंगे। देखिए मैंने डाल ली है और अभी हम लास्ट में इनके अंदर सोडा ऐड करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलता हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो चलिए लास्ट में हम इसके अंदर सोडा डाल देंगे। आप देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक बार जैसे हमने सोडा डाल लिया है, देखिए हम इक्वली ग्लासेस में डाल देंगे और अब हम इसके जो स्पून था हमारा उसमें ऐड कर देंगे। एक बार इसको मिक्स कर देंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने बड़े वाले गिलास लिए थे क्योंकि ये हम देखिए क्योंकि ये जो गिलास हैं ये ब्रिविजेस के लिए काम आते हैं, जैसे जूसेस के लिए और कोल्ड ड्रिंक्स के लिए जैसे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा लेमन बन चुका है। तो आप इसको ऐसे ही अपना सर्व कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलता है और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो दोस्तों, प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को। प्लीज़ लाइक कीजिए।